या कुछ मीडिया को समझना चाहिए कि वो जो बात कहेंगे वो करोड़ों लोगों पे असर करेगा। Because of you, the nation is awake, and now they have started. And I think because of you, the inquiry will start with CBI also. Thanks for that. आज जो भी हो रहा है वो मीडिया की वजह से हो रहा दुख की बात ये है यार कि उसके जाने का लोगों ने तमाशा बना दिया। है. Outside the room, yeah, the police were inside the room, we were outside the room. कि मैं अपने दोस्तों के साथ उनके लिफ्ट के पास ही खड़ा था क्योंकि ऊपर जाना पुलिस ने अलाउ नहीं किया था, कोई भी नहीं जा सकता था। How do you know how high the room was? Yeah, yeah. Have you been Just to that room outside before? the room. No, outside the room. So you were outside the room. थोड़ा सा हमको समय देना चाहिए. आई थिंक लोगों को समझ में आएगा क्या है क्या नहीं. पूरे हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड यही जानना चाहता है कि क्या हुआ था, ऐसा क्या सिचुएशन आ गया कि ये ऐसी घटना घट गई. मोर्चा निकाल रहे हैं लोग, गुस्से में नहीं, वो इमोशंस है. कहां से पुलिस को सपोर्ट मिलेगा? राइट, वी नीड टू स्टैंड बाय द पुलिस ऑल्सो. ना कोई आरोप है किसी पे? आरोप है नहीं, नहीं कोई नहीं. आज वैसे भी लोग 3 महीने से घर पे बंद है, दिमाग बंद है, काम बंद है, तो लोग फ्रस्ट्रेटेड है. इतना अच्छा इंसान, इतना मन मौजी इंसान, वो इंसान ऐसे कैसे जा सकता है? उसको, उनके पेन को समझो. क्या पेन होगा कि उसके जैसा सक्सेसफुल इंसान ने ये स्टेप ले लिया. ही इज नॉट द गाय हु विल डू व्हाट हैज हैपेंड टू हिम. जरूरत नहीं थी ये करने की, इतना अपने साथ कई लोगों को मार के चला गया वो. तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि फैमिली हॉस्पिटल नहीं आएगी क्योंकि वो बहुत अलग हो जाता. आई जस्ट थॉट कि दिस इज द टाइम वेयर आई हैव टू कंट्रोल माय सेल्फ. मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि प्लीज अब ये सीबीआई इंक्वायरी पे चली जाए. नहीं रोक सकता और प्रोसीजर होने देना चाहिए. प्रोसीजर को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए. I don't think there is a hint of these things. What is running in individual mind, nobody will know. What is running in my mind right now, I'm not speaking that. What is running in my mind right now, I'm not. नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे. कल हमने बात की थी सीबीआई जांच को लेके कि किस तरीके से बिहार पुलिस ज्यादा अच्छी जांच कर गई थी कि उन्होंने आदित्य ठाकरे का नाम ले दिया, रख दिया कोर्ट में, और मुंबई पुलिस ना रख पाई ना सीबीआई रख पाई. तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है कि सीबीआई आखिर जांच किस दृष्टि से कर रही है, किस हिसाब से कर रही है. बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे संदीप सिंह को लेके. संदीप सिंह अहम है, मतलब बहुत अहम हो जाता है. सुशांत सिंह राजपूत के साथ इसकी फोटोज आपने देखी होगी, पास्ट में मित्र रह चुका है जब अंकिता लोखंडे थी सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड, और संदीप सिंह ये कॉमन फ्रेंड है. तो ये व्यक्ति लेकिन क्राइम सीन पे होता है. 14 जून को पूरा का पूरा क्राइम सीन इसने मैनेज किया, सारी चीजें इसने देखी. तो ये व्यक्ति लेकिन एक साल से मित्र नहीं था, लेकिन ये 14 जून को पहुंच जाता है. जो व्यक्ति टच में नहीं है सुशांत के, वो एकाएक 14 जून को पहुंचता है, जिसपे इसने कारण बताया कि इन्हें न्यूज पता लगी टीवी के माध्यम से, और उसके बाद ये वहां पे पहुंचे. तो यहीं पे समझ जाइए महेश शेट्टी, ये दोनों वहां पे पहुंचते हैं, सारी चीजों को मैनेज करते हैं. खैर, यही संदीप सिंह के जब हम बयान देखें जो इसने बाद में आके दिए, तो सबसे पहले जब 14 जून को बात हुई थी, जब मृत्यु हुई कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया है, मर्डर है, तो जनता बात करने लगी थी. और फिर उसके बाद धीरे धीरे वीडियो जो निकलते गए उसमें भी बात यही होती रही कि सुशांत का सुसाइड नहीं है, मर्डर है. और बॉयकॉट बॉलीवुड की भी एक बात चली, लहर चली कि बॉलीवुड कितना बेकार है, सुशांत सिंह राजपूत को के जस्टिस के लिए बोल भी नहीं रहा, याद भी नहीं किया. तो संदीप सिंह वो पहला व्यक्ति था जो बॉलीवुड के लिए खड़ा हुआ. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, संदीप सिंह वो था जिसने पूरे क्राइम सीन को, सारी चीजों को देखा, ठीक है, वहां पे उपस्थित था. यही वो संदीप सिंह व्यक्ति था जो एक तरीके से मैं कहूंगा कि सुशांत के केस का स्पोक पर्सन था, है ना, करीबी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा था, सुशांत को रिप्रेजेंट कर रहा था. तो ये संदीप सिंह वो व्यक्ति था, वो मीडिया में आके ये कहता है कि ये बॉलीवुड के खिलाफ बोलना बंद करना चाहिए, यानी कि सुशांत के जो शुभचिंतक थे, जो आवाज उठा रहे थे, लड़ रहे थे, उनको उन्होंने सीधा संकेत दिया कि बॉलीवुड को टारगेट मत करो. तो देखिए, ये तो इससे तो हमें ये तो दिखा, समझ में आया कि कितना बॉलीवुड से प्रेम करते हैं ये जो खान है, इन सबको कितना आपके प्रति वो है और आपको उनके प्रति कितना है, सब देखने को मिल रहा था. लेकिन इसके आगे जब ये टीवी पे और इंटरव्यू दिए, जब इनसे पूछताछ हुई, हमने देखा रिपब्लिक पे जब ये गए थे, वहां पे उन्होंने जो बातें कही जिसमें ये क्लियरली कहते हैं कि ये सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को देखे आउटसाइड द रूम. सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुशांत वॉज इनसाइड द रूम, यानी कि उनकी डेड बॉडी रूम के अंदर बेड पे थी, और
इन्होंने पलंग से पंखे की हाइट सब देखी और इन्होंने कहा कि हाँ वो सुसाइड कर सकता था, वहां पे लटक सकता था और ये बाहर गेट के खड़े थे। अब ये सबसे मेन है कि मुंबई पुलिस वहां पे थी, उपस्थित थी, नीतू दीदी थी और ये संदीप सिंह था और इसने देखा कि सुशांत की बॉडी जो है बेड पे और ये रूम के बाहर खड़े हैं। अब दूसरा एक और पॉइंट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये आज तक पे ही इंटरव्यू दिए और वहां पे उन्होंने ये कहा कि मुंबई पुलिस ने इन्हें जाने ही नहीं दिया, यानी कि लिफ्ट जहां से जाती थी वहीं पे रोक दिया, तो ये ऊपर पहुंचे ही नहीं क्राइम सीन पे, तो फिर इन्होंने रिपब्लिक पे पहले ये बात कैसे कह दी। देखिए बहुत अच्छे से समझ में आता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, बहुत अच्छे से ये समझ में आता है कि ये व्यक्ति वहां पे एकाएक पहुंच गया, सारी चीजों को देखा, ऐसे नहीं होता है। अब समझिए कि कोई आपका 2 साल पुराना मित्र एकदम से आएगा और सारी चीजों को देख लेगा, 2 साल में बहुत सी चीजें बदलती है। जब कह रहे हैं सारी चीजें थी कि रिया उनकी गर्लफ्रेंड है, पूरी चीजें मैनेज कर रही थी, सब कुछ कर दिया था, सुशांत के सारे कॉन्टेक्ट काट दिए थे, तो ऐसे में कैसे ये संदीप सिंह जाके सारी चीजें मैनेज कर लेता है। अनटिल एंड अनलेस इसके पास पावर थी, इसे पहले से पता था ऐसा होगा और ये सारी चीजें मैनेज की जाएंगी, क्योंकि बहुत अच्छे समझ में आ रहा है सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई है, ये अंदर के ही कूपर हॉस्पिटल के व्यक्ति ने आके अब रिवील कर दिया है कि सुशांत के पैर की हड्डी टूटी हुई थी। अब सुसाइड करने वाले व्यक्ति के पैर की हड्डी कैसे टूट जाएगी, और अगर हड्डी पहले से टूटी हुई थी तो उसने सुसाइड कैसे कर लिया, राइट? कि आपको भैया खड़ा होके अपने आपका बांधना तो पड़ेगा पंखे पे, तो ये आपने कर कैसे लिया जब आपके पैर ही टूटा हुआ था। तो बहुत क्लियरली ये सारी चीजें समझ में आ रही है कि सुशांत की पैर की हड्डी तोड़ी गई, उनका गला घोटा गया और फिर बाद में ये प्रूफ किया गया, ये बताया गया कि सुशांत ने सुसाइड किया। सुशांत की बहन ने ये भी बताया टीवी पे एक इंटरव्यू में कि मीतू दी जो वहां पे पहुंची थी उन्होंने सुशांत को हैंगिंग मतलब देखा ही नहीं है, उससे पहले ही उतार लिया गया था, किसके द्वारा, सिद्धार्थ पठानी के द्वारा, और ये उतार चुके थे जैसा इनका कहना है कि हमने उतारी है डेड बॉडी, ठीक है, सुशांत की पंखे से लटकी हुई। बट फैमिली के किसी भी व्यक्ति ने सुशांत सिंह राजपूत को पंखे से लटके हुए देखा ही नहीं है, लेकिन ये संदीप सिंह, ये तो इतनी मतलब मैं आपको बता रहा हूं, संदीप सिंह अगर इसको अभी बुलवा के पूछा जाए आपने देखा है, बोलेगा हाँ मैंने देखा पंखे से लटके हुए, मेरे सामने मुंबई पुलिस ने उतारा है, ये तक बोल देगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब ये व्यक्ति एक जगह पे ये बोल सकता है कि मेरे सामने डेड बॉडी थी, ये प्रूफ करने के लिए कि हाँ सुशांत पंखे से लटक सकते हैं, मैंने देखा है हाइट बेड और पंखे की, कि मेरे सामने ही सारी चीजें थी, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है। जब आप ये प्रूफ करने की पूरी हर संभव कोशिश कर ही रहे थे कि सुसाइड है, ये मर्डर हो ही नहीं सकता, तो ये संदीप सिंह वो है जो बॉलीवुड को, जो आरोपियों को इनडायरेक्टली कैसे बचाने का प्रयास करते, और सुशांत जिसके लिए बोलना चाहिए उसके लिए इनके मुख से कुछ निकलता नहीं है, राइट? कि मर्डर है, जस्टिस मिलना चाहिए। रिया को आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं, ये वही सॉरी बाबू और फिर उसके बाद आके सत्यमेव जयते का ड्रामा की, राइट? ये रिया चक्रवर्ती तो एक ऐसी लड़की है, मतलब इसको विश्वकन्या भी कहा गया और मेरे को लगता है बिल्कुल सही कहा गया, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि ये लड़की, आप ये बोल रहे हो कि आप अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करते थे, सुशांत को बहुत प्यार करते थे और उसकी हत्या हो गई, और आपकी अगर मैं टर्म में बोलूं आपको लगता है आत्महत्या भी कर ली, तो आप शॉक में नहीं गए? आप इतने स्मार्ट हो कि आप एक सफेद सलवार कमीज सूट पहन के आते हो और उसके बाद जिसपे भी सलवटे, सबसे इंपॉर्टेंट सलवटे, और फिर एक वीडियो जारी कर देते हो नॉटिंग की करते हुए, मतलब आपको यहाँ पे भी ड्रामा चल रहा है। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. ठीक है, अगर आपको आपको कभी भी समझ में आया रिया के पास कोई काम नहीं है, ठीक है, ये बंदी राजदीप के इंटरव्यू में जाके बोलती मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ईएमआई नहीं भर सकती घर की, इतनी बुरी स्थिति में हूं, इस बंदी के पास काम नहीं है, पिक्चर नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद आप देख रहे हो कि इतनी महंगी महंगी लाइफस्टाइल जी रही है, ऐश कर रही है, सब कर रही है, कहां से आता है पैसा, कौन इसको फंड करता है, राइट? क्योंकि देखिए पास्ट में तो हम देख चुके क्वीन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी हर महीने इसको रुपए भेज रही थी लाखों में, ठीक है, मतलब जिस कंपनी को इसको पेमेंट देना चाहिए था वो इसको दे रही थी, और सुशांत सिंह राजपूत से वही कंपनी करोड़ों रुपए ले रही थी, 10 करोड़ रुपए ले ली साल भर के। अब आप सोच लो ऐसा क्या किया, ठीक है, ऐसा क्या काम किया जिसके आपको 10 करोड़ मिले, सुशांत ने ऐसे कौन से साल भर में 100 करोड़ कमाए, ठीक है, यानी कि खेल पूरा बहुत बड़ा खेला गया, रिया को
पैसा मिल रहा था, काम है नहीं बंदी के पास, कुछ है नहीं, कुछ टैलेंट नहीं है, लेकिन तब भी इसको पैसा मिल रहा है। तो आप यहीं पे समझ जाओ कि ऐसा क्या चल रहा है, ऐसा ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं जिसके कारण इसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है। संदीप सिंह, इसको इतना प्रॉफिट मिल रहा है कि एजेंसी इसको पकड़ती नहीं है ना, मुंबई पुलिस की तो बात ही भूल जाओ यार, इसका तो कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है ना। सीबीआई, सबसे इंपॉर्टेंट सीबीआई, ठीक है कि संदीप सिंह एकदम क्लीन, एकदम बढ़िया, एकदम साफ, झूठ तो उसने टीवी पे बोले हैं, उसके अलावा कितनी चीजें होंगी, अगर इंटरोगेशन सही से हो तो सारी चीजें निकल के आए। आदित्य ठाकरे को तो बुलाया ही नहीं, वो तो भूल ही जाओ आप, कि बातें बहुत हुई सारी चीजें, लेकिन उसको नहीं बुलाया क्यों भाई। सबसे इंपॉर्टेंट है सीबीआई सीरियस नहीं है सुशांत के केस को लेकर, या चाहती नहीं है कि यहाँ पे जस्टिस मिले सुशांत की फैमिली को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है, सुशांत की फैमिली को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, क्योंकि सीबीआई तो डिले कर रही है, मजे ले रही है। जब सुशांत की फैमिली बहन ही आके बोल रही है कि जो अधिकारी हैं उन्होंने इनको नंबर दिए थे, कहा था कुछ भी चीज हो, कोई भी जानकारी हो, आप संपर्क करना सीधे हमें, कुछ भी आपको मिले, कुछ भी ऐसा हो, अब वो इनको जवाब नहीं दे रहे, रिवर्ट नहीं कर रहे, इनसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये उनको कॉन्टेक्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए तो जवाब देना नहीं उचित समझते, तो क्या कहोगे इसे, आप किन लोगों को इग्नोर करते हो। अगर आप भी अपनी लाइफ में देखते होंगे, आप नहीं चाहते जिनका काम करना, या नहीं है आपको भैया, आप टालने की कोशिश कर रहे हो, उस व्यक्ति को आप इग्नोर करोगे। तो यहाँ पे बहुत ही गंभीर है कि अधिकारी लोग सुशांत की फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, क्यों भाई, किस लिए। आपका तो काम है सेवा करना, आपका तो काम है जस्टिस दिलवाना, गड़े मुर्दे जो है वो भैया पूरे निकाल लेना, या अब आप उन लोगों के कॉल्स अटेंड कर रहे हो, उन लोगों के लिए काम कर रहे हो जिनको आपको सजा दिलवानी है। क्लियर दिख रहा है सुशांत के केस में कि सुशांत की फैमिली को आपने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, उनके कॉल्स इग्नोर है, उनसे आप मिलना नहीं चाह रहे, काम नहीं कर रहे, और काम कर रहे हो आप किन के लिए, बहुत साफ है। सुबोध कुमार जायसवाल जी से कि तो मैं क्या ही तारीफ करूं भाई, बॉलीवुड के प्रति इनका बहुत ज्यादा प्रेम रहता है, आपने देखा होगा बॉलीवुड के इवेंट्स में जाते थे, अभी भी बॉलीवुड से बहुत ज्यादा है। चलिए एक डिफरेंट टॉपिक है, बट ये चीज बहुत क्लियर है कि सीबीआई भाई सही दिशा में नहीं जा रही है, सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता है, सुप्रीम कोर्ट लात मारे तब जाके ये सुधरेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोले भाई क्या मजाक चल रहा है, तब जाके ये जवाब देंगे, नहीं तो जनता को तो मूर्ख बनाते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये चीज नहीं चल सकती, हम हर पहलू से जांच कर रहे हैं। सॉरी, जनता को तो आप मूर्ख बना देते हो, फैमिली को तो मूर्ख बना देते हो, सुप्रीम कोर्ट जाया जाए और थप्पड़ मारा जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तब जाके कुछ होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि संदीप सिंह की एक अहम कड़ी है, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया जिसमें आप बहुत अच्छे से समझ गए, कंपाइलेशन है उस संदीप सिंह के उन वीडियोस का जिसमें ये व्यक्ति के झूठ 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 सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेस्ड बताने की कोशिश इन लोगों की, कि डिप्रेशन में थे ये सारी चीजें। अरे भाई आप खुद इतने समय से दूर हो, आपको जानता कौन नहीं है, आप अलग ही आ गए, क्राइम सीन को हैक कर लिया है ना, एक तरफ बोलते हो महेश शेट्टी ने मुझे कॉल किया था, दूसरी तरफ बोलते हो मैंने महेश शेट्टी को कॉल किया था, अरे ऐसे थोड़ी होता है, आप समझिए, एक तरफ बोलते मैंने कॉल किया, एक तरफ कहते उनका कॉल आया, तो झूठ है, तभी तो आप क्लियर नहीं कर पा रहे कि पहले क्या बोल दिया। सत्य होता तो वो तो एक क्लियर है कि सामने वाले ने मुझे कॉल किया, या चीजें बदल जाती है। आप अपने आप को रख के देखो, आप किसी को कॉल करोगे तो आपको पता रहेगा मैंने कॉल किया था, या आप ये बोलते रहोगे उसका कॉल आया, मेरा कॉल आया गया, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। बहुत क्लियर है इस वीडियो में दोस्तों, इतना ही है, इसको आप शेयर कर दीजिए। जय हिंद।